हे हेलो हाय यार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक मेडिको। सो जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री का रिवीजन वीडियो स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने टोटल 5 टॉपिक कवर कर लिए हैं, है ना। आज हम लोग सॉल्यूशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो सॉल्यूशंस को डिस्कस करने से पहले, अगर किसी ने वीडियो को प्रीवियस नहीं देखी हो, तो इस यूआरएल पर जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है केमिस्ट्री का और फिजिक्स का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग दोनों प्लेलिस्ट से वीडियोज़ को देख सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। ओके, सो सॉल्यूशंस में क्या चीज़ देखनी है। पहली चीज़ जो है कि क्या होता है कि कोई भी लिक्विड जो है, एनी लिक्विड बॉयल कब होता है, इफ वेपर प्रेशर जो है वो किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आपका क्या होता है, लिक्विड जो है वो बॉयल हो जाता है। दूसरा चीज, जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है सिर्फ आपके टेम्परेचर पे, डिपेंड ऑनली टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, तीसरी चीज आती है कि वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। ठीक है, इन 3 चीज़ों के बाद जो है नेक्स्ट चीज़ जो है आप लोगों को इसमें देखनी होती है, इक्वेशन आप लोग को याद रखनी है। लॉग पेज पी इजल टू होता है लॉग के माइनस 2.303, सॉरी, लॉग पी इजल टू लॉग के माइनस डेल्टा एच वी अपॉन 2.303 R इंटू 1/T। ठीक है, ये आपको इक्वेशन अच्छे से याद रखनी है। उसके अलावा आता है आपका टोटल प्रेशर, अगर आपसे पूछा जाता है तो वो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इसी को जो है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में भी लिखा जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू 1 - x। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देन फिफ्थ चीज़ जो है इसमें आप लोगों को जो याद रखनी है, जो इम्पॉर्टेंट है, वो ये होता है आपका इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वो आपका क्या होता है, ये फार्मूला आता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस टीबी। ठीक है, प्लस टीबी होता है, और टीबी क्या होता है, टी बी इक्वल टू होता है आपका के बी इंटू मोलैलिटी। ठीक, अब इसको क्या ले सकते हैं, टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी आपका होता है वेट इंटू 1000 अपॉन एम इंटू वेट। ठीक, इसके अलावा फिर आपको के बी को क्या ले सकते हैं, के बी इज इक्वल टू होता है 0.02 टी स्क्वायर अपॉन एल वी। ठीक है, जहाँ पे टी आपका क्या है, टी आपका होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और एल वी जो होता है वो होता है आपका लेटेंट हीट। ठीक है, तो इस फार्मूले को जो है आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा जो है अदर चीज़ें जो हैं आप लोगों को याद रखनी है ना। फिर आता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, कि क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ना। तो नेक्स्ट चीज़ आता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो आपका होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। ठीक है, फिर आता है आपका वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर के पहले जो है हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग एल्फा से डिनोट करते हैं, और एल्फा इज इक्वल टू होता है i-1 / n-1। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम आफ्टर डिसोसिएशन, और आई क्या है आपका, आई है आपका वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, अब वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है आखिर, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका यही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है, वांट ऑफ फैक्टर, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो ये होता है आई इक्वल टू होता है 1 + n-1 इंटू एल्फा। अगर एल्फा कुछ नहीं गिवेन है तो एल्फा को हम लोग 100% मान लेते हैं कि पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है। तो इस पर अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन गिवेन है कि एम जी एस ओ फोर इज इक्वल टू अगर है आपका एम जी प्लस टू प्लस एस ओ फोर माइनस टू, देन यहाँ पे आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, वांट ऑफ फैक्टर 1 + कितने मोल है, एक मोल ये है और एक मोल ये है, तो ये कितना एन हो गया, 2 - 1, यानी आई इज इक्वल टू कितना आ गया आपका,